कर होता तो थोड़ा खराब हो गए। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:40 और आज है 8 तारीख वेडनेसडे। कल रात को देर से सोया था इसीलिए फिर मतलब आज जल्दी नहीं उठ पाया, 9 बजे उठाऊँ। बाकी मुंह धोवा लिया, ब्रश रस कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया हूँ अभी तक क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा तबीयत खराब है तो कुछ बना नहीं है। कल का जो केक वगैरह था बचा हुआ तो वही खा लूँगा और बाकी अभी मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है तो उसी को देखते हुए चलो उनसे पहले पूछ लेते हैं। बाकी हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मम्मी इधर सोई हुई है अभी, कैसा लग रहा हूँ? ठीक है लग रहा बेटा, अभी तो खाली मुंह में सीठा लग रहा खाना। वो मतलब मम्मी को भी खाना होना जैसे थोड़ा हो जाता है ना बुखार वगैरह, तो खाना किस टाइप से लगता है ना, स्वाद नहीं आता ना? नहीं वही नहीं हो रहा ना। बाकी आराम करो सब। और लगता है पवन का अभी तक बर्थडे खत्म नहीं हुआ है, वो अपना हैप्पी बर्थडे का जितना जो सजावट वगैरह था सबको अपने पास लेके रखा। टोपी पहन के बैठो, टोपी के बैठेगा। देखो आज कदर नहीं कर रहा टोपी का, कल बर्थडे था तो कदर कर रहा था, पहन के बैठे रहो हमेशा। तेरा बर्थडे और अब तुम बैठो। मेरा बर्थडे खत्म, मेरे का बाद तेरा ना, तुम्हारा हुआ फिर मेरा फिर तुम्हारा। लो हाँ बाप रे बाप। बाकी आज तो गैस भी खत्म हो गया, एक तो एक्स्ट्रा हमारे पास एक था तो उसी से काम चला रहे थे और एक खत्म हो गया तो वही पापा बोले हैं कि शायद अगर आज जाएंगे तो पापा के साथ जाऊंगा गैस लाने। बाकी देखते हैं अगर, क्योंकि दो गैस रहता है ना तो सही होता है यार, अगर एक कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चले, फिर अगर मान लो रात ही में खत्म हुआ तो फिर खाएंगे कैसे? हाँ होटल वगैरह से ले सकते तो फिर खा सकते, बट एक गैस एक्स्ट्रा रखे है पापा तो अभी वही देखते हैं क्या होता है। झोला लिए? हाँ झोला ले लिया, डिक्की में बंद कर दिया। डिक्की में ना? हाँ। तो बाकी गेट बंद कर देते हैं। तो अभी चलते हैं सब्जी लाने और कुछ नाश्ता भी लेके आएंगे मम्मी के लिए बाबू के लिए। चलिए तो यहाँ जेसीबी घुसने वाला है, एक बार ट्रेंड चला था पर समझे जेसीबी की खुदाई बन रहा है ना, तो पीछे ले लीजिए तब तो क्या करता है, इधर आएगा तो पीछे लेने नहीं होगा, इधर ही आएगा बस शायद। तो फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं पापा क्या सब्जी खरीदते हैं। क्या लीजिएगा? आलू लेंगे। आलू और टमाटर? टमाटर है जी, आलू टमाटर धनिया पत्ती यही सब लेंगे। चलो लेते हैं जल्दी से जल्दी, अब फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी लेना आप इडली वगैरह। तो फाइनली आलू और प्याज ले लिए, अब लेना टमाटर और धनिया पत्ती, फिर चलते हैं कुछ लेना होगा ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी ले लिए हैं, ले रहे हैं धनिया, इसमें डाल दीजिए काकू। तो फाइनली मार्केट हो चुका है, सब चीज़ ले लिए, टमाटर आलू धनिया पत्ता वगैरह, अभी चलते हैं इडली वगैरह लेते हैं और डोसा। और सब कैसे हैं भैया? ठीक है बाबू, सब सही चल रहा है एकदम बम बम ना। चलिए फाइनली घर पहुंच चुके हैं। बहुत जोर की भूख लगेगा इस, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, सब्जी वब्जी सब ले लिया हम लोगों ने। बाकी गाड़ी यहीं खड़ा कर देंगे और सामान लेके चलते हैं अंदर। आ जाओ, पूरा तो टोकरी खाली हो गया था पर फाइनली इसमें भी रख दिए हम लोग टोकरी में। ब्रश कर लिया ना वो, तब से मोबाइल देख रहा कर लिया तो चलो खाते हैं अभी। मम्मी को उठाओ जाओ, मम्मी ले डोसा ला दिए। बाकी मम्मी खाना चढ़ा दिए चावल, कितना डबक रहा है। हाँ तो खोल रहे हैं पूरा डबक रहा है। हाँ डबके गए हैं जी, तो इसको ढकेंगे कब चावल में? ढकेगा तो और रोटी अति हो जाएगा। डोसा ला दिए हैं तुम लोग? हाँ हम लोग इडली खा ले रहे हैं। डोसा नहीं पसंद लगता क्या? हाँ आधा खा लेंगे।
तो फिलहाल ब्रेकफास्ट निकल चुका है, ये रहा इडली, पापा चटनी अंदर लेके चल गए कि खाओ जल्दी, क्या खाओ तो क्या करोगे, ये चटनी ऊपर क्या करोगे। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पवन क्या बनाया है, क्या से बनाया है? बेलम को जीप पे यार करते हैं, लाइट ऑन कर दिया है ना, तो फोन में फोन के अंदर बेलून डाला, स्माइल, रात को अच्छा लगेगा, स्माइल। तो बाहर काफी तेज बारिश हो रहे हैं देखो, और ये पूरा भर जाएगा इधर, अभी फिर झाड़ू मारने पड़ेंगे, बाकी यार लगातार बारिश हो रहा है। ऐसे ही मम्मी को बुखार है और मम्मी तो इधर आ भी नहीं सकती, नहीं तो पैर उड़ भींगेगा, फिर मम्मी को बुखार चढ़ जाएगा, ऐसे तो अभी बुखार है। देखते हैं, मम्मी दवाई हुआ है तो ली है, दवाई खा रही है, बट फिर भी ठीक हो जाए जल्दी से मम्मी। पानी गिरने, पानी छूटने का नाम ही नहीं ले रही, इतना जोर से बारिश हो रहा है। तो फाइनली पानी छूट गया अभी, और अभी थोड़ा मौसम ठंडा लग रहा है। और पापा का एक चीज़ गलती है कि रात को पानी गिरता भी है तब पंखा चला देते हैं। पापा को मेरे से एक शिकायत है, अपा कल रात को पानी भी गिरा था फिर भी आप पंखा चला दिया, पर नाक जम गया, गर्मी लग रहा था आपको। पापा को हमेशा गर्मी लगता है, पवन भी आपको बोला था कल। पापा अभी पानी निकाल रहे हैं, अभी फिर थोड़े देर बाद फिर लगता है पानी गिर ही जाएगा, फिर झाड़ू मारो। देखो पानी गिरा और काई वगैरह जम गई है, देखो फिसल सकते हैं यार पूरा ऐसे। शाम को आप लोग देखिए बच्चे वगैरह दौड़ते रहते हैं, पैर भी मुचक सकती है यार ऐसे। धूप उगा दे भगवान जल्दी से, क्या हुआ? ये तो धूप करता है पानी गिरता, धूप गिरता है, सॉरी धूप होता है पानी गिरता है। कि ये लाल भाजी पापा कब लाए थे पर इसको? परसों दिन लेके आए थे, बाकी इससे आँख की रोशनी भी बढ़ती है, और साग खाने से ज़्यादातर आप लोग पता होगा सुबह सुबह घास में चलते हो तो आँख की रोशनी बढ़ती है। देखो कितने सारे बर्थडे के अल्फाबेट रखे हुए पवन के, इसको खुल भी नहीं सकते ना यार, खुलते कैसे इसके, हवा फेंका ही जाएगा, नहीं तो हवा टानना होता है, यहाँ से टानना पड़ेगा हवा, इसका पाइप था ना उससे खुला था, उससे पाइप का रख दिया है, पाइप डाला है इसके अंदर अभी, और हवा टान रहा है बट निकल ही नहीं रहा है, भर जाता फिर निकलता नहीं है, क्या हुआ? अरे यहाँ से जैसे भर गया था ना हवा, तो फिर यहाँ से लॉक हो गया था, समझा, चिपक गया था, लॉक हो जाता। तो बट ट्राई तो कर रहे निकलाने का, हो नहीं रहा है, नहीं निकलेगा वो, धीरे निकल ही नहीं रहा, लग रहा निकल रहा वो, नहीं निकलेगा वो, सही निकल ही नहीं रहा यार, थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा जी, बट हवा तो निकलना चाहिए, लॉक हो गया वो, ऐसा लॉक है ना यहाँ से, देख देख लॉक हो गया है, क्या पता क्या रूल है इसमें, लॉक हो जाता है। तो फिलहाल शैम्पू से सर धो लिया हूँ, नहाया नहीं हूँ क्योंकि आप लोग देख ही रहे पानी भी गिर रहा है, मौसम भी कब मौसम की वजह से बुखार पड़ जाए, इसीलिए खाली ऊपर ऊपर से सर धो लिया हूँ और फेस धो लिया, बाकी अभी कपड़े पहनते चेंज करते हैं। फिलहाल तो मैं तैयार हो चुका हूँ सर, बाकी कैसा लग रहा है बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अभी जा रहे हैं हम लोग बिष्टुपुर, बिष्टुपुर की कहाँ? हाँ बिष्टुपुर, बिष्टुपुर ना, हाँ तो बिष्टुपुर जा रहे हैं एक्सिस बैंक के वहाँ, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है खाता खुलवाने में, तो वही पता करना है, बाकी हेलमेट वगैरह ले लिए हैं, तो अभी चलते हैं। अभी दिन का कितना? 3 बज गया, नेट 3 बज गया, तो 3 बज चुका है, तो जल्दी चलते हैं, 4 बजे तक कम से कम आ जाएंगे सब चीज़ पता वगैरह करके, तो चलो चलते हैं। फिलहाल अभी हेलमेट पहन चुके हैं, पापा भी पहन लिए थे, अभी मास्क पहन रहे पापा, पूरी प्रॉपर तरह से सेफ्टी कर लिए हैं, अभी चलते हैं। पापा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अभी वहीं लगा दिए, हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सिस बैंक के जस्ट बाहर पे, और पापा ये रहे, आगे पता करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपको फाइनली
पापा तो बात कर लिए हैं, वही आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह लगेगा और जितना पैसा पहले अमाउंट लगता है उतना लगेगा, बाकी अभी चलते हैं घर। और शाम भी हो गया है, 4:00 हो गया है, 4:10 हो रहा है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। निकालिए गाड़ी, निकालिए, बाकी आप लोग से घर पे मिलते हैं। बाकी एक्सिस बैंक से घर लौट के जैसे आया और देखो हमारे दो सब्सक्राइबर आए मिलने। कहाँ से आए? गिरिडीह से आए। गिरिडीह से आए तो बाकी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उतना दूर से, मतलब समझ रहे हो यार, गिरिडीह कितना किलोमीटर है? लगभग लगभग 250 से 300 किलोमीटर। 250 से 300 किलोमीटर। सुबह 4:00 निकले थे। सुबह 4:00 निकले और अभी शाम को 4:00 है। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया यहाँ आने में। बाकी खैर मिल लिए, बहुत अच्छा लगता है। होता है कि यार कोई ना कोई आते तो अच्छा लगता है। बाकी इधर आपके हेलो गाइज भी खड़े हैं, तो बस थोड़ा इन लोगों से बात करते हैं। इधर मम्मी बैठी हुई है, टीवी ऑन है। माँ देख रहे थे तो बच्चा सब आया ना, देखो तो फिर बाहर निकल गए। अब पवन वो रहा बैठा हुआ, तब से बैठी हुई है यही। हाँ, बात कर रहे थे। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, खाली खराब है, खाने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा खराब होता तो थोड़ा खराब हो गए। अच्छा लोग आया था डाल टावर है, दो चांदनी चौक। अच्छा अच्छा, सब बच्चे जान गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, बच्चा लोग आए ना। सुबह सुबह उठ के देखता है, बहुत दूर दूर जाता है बच्चा सा। अच्छा लगता है ना। सब्सक्राइबर था वो, थोड़ा मतलब क्या गणेश पूजा करेंगे आंटी बोल रहे। तो मम्मी चंदा भी थी, मतलब मिलने आया था, मिलने के मकसद से आया था, बट हम नहीं पहुंच पाए। दूसरा से चंदा कटेंगे बोल के तो पहचान लिए। हेलो गाइस है आप लोग। चलो ठीक है, बहुत खुशी लगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, बस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। और आज तो शाम भी हो गया लगभग, अभी एडिट भी करना है। बाकी इधर तो मम्मी पापा सब बैठे हुए हैं, तो अभी जैसे ही वीडियो एंड होगा तो फिर मैं वीडियो एडिट करूँगा। तो बस आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक सर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।